दादरा विद्युत विभाग के अधिकारी उत्तम रोहित उद्योगों से कर रहे हैं दादागिरी। दादरा देमनी रोड पर आए गुलमोहर इंडस्ट्री उद्योग में स्थित श्याम पॉलीमर गाला का लाइट का कनेक्शन काट देने से शुरू हुआ था विवाद। श्याम पॉलीमर गाला के मालिक अंकुर सिंघानिया का कहना है कि बिजली के बिल का भुगतान भरने की अंतिम दिनांक 28 दिसंबर है, पर उसके बावजूद दादरा के विद्युत कार्यालय से आए अधिकारी उत्तम रोहित ने बिना किसी कारण हमारे गाले का लाइट का कनेक्शन काट दिया। हमने उनसे मशीन बंद करने तक की मोहलत मांगी, मगर उत्तम रोहित ने अपनी पदवी के दम पर दादागिरी करते हुए लाइट कनेक्शन काट दिया। अंकुर सिंघानिया ने यह भी बताया कि उत्तम रोहित फ्यूज लगाने के 500 रुपये तो लेते ही रहते हैं, मगर दिवाली पर भी पैसों की मांग करते हैं। इस साल मेरी बेटी की तबीयत बिगड़ने से मैं दिवाली पर यहाँ नहीं था और इसी कारण उत्तम रोहित को दिवाली की बख्शीश न मिल सकी, इसलिए वो हमें इस तरह परेशान कर रहा है। अंकुर सिंघानिया ने यह भी कहा कि एक तो बिजली के दाम आए दिन बढ़ चढ़ रहे हैं, ऐसे में ऐसी दादागिरी कौन सहेगा। इस महीने का बिजली का बिल मेरा लाइट कनेक्शन काट देने के बाद मेरे हाथों में दिया गया है और उसमें अंतिम दिनांक भी स्पष्ट लिखी गई है, जो 28 दिसंबर 2018 है। तो फिर सरेआम ऐसी दादागिरी क्यों? ऐसा ही नहीं, हमारे गाले के साथ अगल बगल के गालों का भी लाइट कनेक्शन इन महाशय ने काट दिया है। इसमें जवाब तो कम से कम दो। आपने मशीन मशीन क्यों नहीं बंद करने दिया? आपने देख लो, ऑफिस में जाके मेरा ड्यू होना चाहिए, 28 तारीख का लास्ट डेट है। लाइट बिल आया नहीं, ऑफिस में नहीं, मैं बंद कर दूंगा गाला, मगर आप दादागिरी कर रहे हो। मेरा ड्यू डेट नहीं हुआ, 28 का ड्यू डेट है। आप लाइट बिल कैसे काट सकते हो? एक फ्यूज लगाने का आप लोग 500 रुपया लेते हो, लाइट जोड़ने का 500,000 रुपया लेते हो। सबको वीडियो दिखाऊंगा, बेमारी चालू है पूरे दादरा में। सब चल रोक गाड़ी, कैसे करेगा, ऐसे कैसे काट देगा लाइट बिल, ऐसे कैसे काट दोगे? मेरी बेइज्जती होती है। आप लोग फ्यूज लगाने का 500 रुपया लेते हो फ्यूज लगाने का। इतना ही था मेरा श्याम पॉलीमर करके छोटा सा गाला है दादरा के अंदर, और लाइट बिल का लास्ट डेट ड्यू डेट जो है वो 28 का था, 28 दिसंबर का। दो महीने का लाइट बिल बाकी है। नॉर्मली जब ड्यू डेट का अपने पास आता है तो हम लोग लाइट बिल भरते हैं, उसके अंदर 28 ऑनलाइन दिखा रहा है। डिपार्टमेंट वाले लाइट बिल तो देते ही नहीं है, 28 का लास्ट डेट दिखा रहा है, तो हम लोग 28 ही लास्ट डेट समझेंगे ना। डिपार्टमेंट से उत्तम भाई आए और मेरा लाइट काट के चले गए। लाइट काटने का ठीक है, मेरा आदमी ऊपर पूजा कर रहा था, मैं लाइट बिल भर के ही सिलवासा रहता हूँ, लाइट बिल भर के ही आने वाला था, जबकि ड्यू डेट 28 की है। आज ही हम लोग टाइम से पहले हर बार लाइट बिल भर देते हैं। मेरा आदमी नीचे आया, वो उसको ऑपरेटर ने बोला कि वो लाइट काट रहे हैं, तो मेरा आदमी नीचे आया तो बोला कि लाइट बिल भरने ही गए, लाइट बिल भर रहे। बोला नहीं, मेरे को कुछ बात नहीं करनी, कुछ बात नहीं, कि ऊपर से ऑर्डर आया और ऐसा करके उन्होंने मेरा मेन गिरा के और टेप लगा दिया। फिर वो बोला कि ठीक है, आप लाइट बिल जो भी है, आपको लाइट काटना है तो काटो, कोई इशू नहीं है, मगर आप मशीनें तो बंद करने दो। मगर उसने मशीनें नहीं बंद करने दी हमारी। मशीनें बंद करने से पहले ही, मतलब ऑनलाइन तीनों मशीन मेरी चालू थी, चालू मशीन के अंदर भी उन्होंने मेन गिरा दिया और टेप लगा दिया, और फिर बोले जाओ जिसको जो करना है कर दो, ऐसा करके धमकी दी है मेरे आदमी। मेरा फोन आया मेरे पास, तो मैं डिपार्टमेंट में ही था उस समय, इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में जाने वाला था लाइट बिल भरने, मैं सीधा इधर ही आ गया। मैंने उनसे सवाल करना चाहा कि भाई आप लास्ट डेट जो 28 है तो आप मेरी लाइट क्यों काट रहे हो? 28-12 है अगर, तो मैं तब नहीं भरूँ तो आप मेरी लाइट काटो, समझ में आता। तो उन्होंने बोला ऊपर से ऑर्डर आया है, तो बोला मेरी लाइट बिल लाइट काटने का ऑर्डर आया है, पहले तो ऐसा नहीं था, और मेरे पास नोटिस अभी तक लाइट बिल में नहीं आया है, ना कोई नोटिस आया है कि आपको वो करना है, आपकी लाइट कट जाएगी 28 पहले से, आप नहीं भरोगे। तो वो चिल्लाने लगे, तुमको बात करना है तो जाओ, बदतमीजी करने लग गया मेरे साथ में। तो फिर मैंने भी बोला कि ऐसा थोड़ी ना होता, ये तो दादागिरी हो गई। दादागिरी यहाँ इतनी ज़्यादा है कि एक एक फ्यूज लगाने के लिए हम लोग को 500 रुपये भरने पड़ते हैं, दिवाली देना पड़ता है, लाइट बिल अभी 25% पहले से ज़्यादा एक्स्ट्रा आने लग गया है। पहले लाइट बिल हमारा जो नॉर्मली प्लांट में 60,000 आता था, आज वो 75 से 80,000 रुपये आ रहे हैं। वो डिपार्टमेंट में अलग अलग चार्ज लग रहे हैं, वो सब
ठीक है सारी चीजें हम लोग मानते हैं, मगर कम से कम मशीन बंद करने का तो टाइम देना चाहिए, और ड्यू डेट नहीं है तो वो हमारी लाइट कैसे काट सकते हैं। मैं तो लाइट बिल भरने गया था, लाइट बिल, और उसके बाद उन्होंने क्या किया, जब मैं उनसे सवाल करना चाहा कि बोला आप मेरे सवालों का जवाब तो दो, वो भागने लग गए गाड़ी स्टार्ट करके। मैं उनकी गाड़ी के सामने आया, वो मेरे पास गाड़ी चढ़ाने जा रहे थे, गाड़ी भी उन्होंने रुकने के, ड्राइवर उनका उत्तम भाई बोलने चलो चलो, गाड़ी चढ़ाने जा रहा था, मेरे पास वीडियो है, मैंने न्यूज़ चैनल वालों को दिया है। फिर मैंने न्यूज़ चैनल वालों को बुलाया, मैं ऐसे मेरा लाइट बिल भरूं और अगर यहाँ धंधा करने आओ ये गाड़ी चढ़ा के मेरी जान ले लेंगे, ये तो दादागिरी होगी ना। और फिर अभी मैं आया, न्यूज़ चैनल वालों को बुलाया तो लाइट बिल तो मेरा भरने ही वाला था, मैं भर दिया लाइट बिल। फिर फोन करके बोला तो लाइट बिल वो जब जोड़ने लाइट जोड़ने आए तो उनको मैंने खाली यही सवाल पूछा कि उत्तम भाई आप मशीन क्यों बंद नहीं होती है, 2 मिनट काम था, मेरी मशीन न बंद होने का बहुत नुकसान होता, मशीन चालू करने में कितनी दिक्कत होती है, और मेरा आदमी जब आपको बोल रहा था लाइट बिल भरने ही गया तो आप बात क्यों नहीं की। तो इस पे उन्होंने सीधे बोल दिया कि तुमको जो करना है कर लो, मैंने लाइट करना, तुमको जो करना है, वो भी वीडियो न्यूज़ चैनल वाले उस समय बैठे थे उन्होंने लिया है, मैंने नहीं लिया, वो न्यूज़ चैनल वालों ने ही लिया है, वो सीधे वार्निंग दे रहे हैं कि मैंने ही काटा है या जो करना है, अगर ड्यू डेट से भी पहले अगर अपनी लाइट काट देंगे तो हम लोग छोटे इंडस्ट्रीज वाले कहाँ थे। मैं कलेक्टर सर से ये विनती करना चाहूँगा, ये जो खुलेआम दादागिरी हो रही है सर, इन लोग को आप थोड़ी वार्निंग दीजिए, अगर हम लोग छोटे इंडस्ट्रीज वालों को मशीन बंद करने तक का भी टाइम नहीं दिया जाएगा और ड्यू डेट से भी पहले लाइट काट दी जाएगी, ड्यू डेट है अगर वो वार्निंग दे सकते थे कि भाई तुम 2-3 दिन में नहीं भरोगे 28 तारीख से पहले तो हम तुम्हारी लाइट काटेंगे, ठीक है, मैं तो लाइट बिल आज उन्होंने वो सुने भी नहीं, वो सुनना चाहिए, और आजू बाजू में भी 3-4 जन का काटा गया, लाइट काटना ठीक है मगर बदतमीजी क्यों करनी चाहिए, छोटे छोटे गाले वाले हम लोग, उन लोग के साथ इस तरह से बदतमीजी करेंगे तो फिर आपको इस पे कलेक्टर सर से मेरी अपील है कि आप इस पे संज्ञान लीजिए का कोई भी प्रोसेस करें। आपके साथ ऐसा हुआ है कि आजू बाजू में आजू बाजू में 2-3 जन का लाइट काटा गया है, किसी को भी मशीन बंद करने का मौका नहीं दिया गया, मशीन बंद करने का टाइम तो कम से कम देना चाहिए, और ड्यू डेट किसी का भी नहीं हुआ है, ड्यू डेट किसी का नहीं हुआ है तो उससे पहले कैसे लाइट काट लेते हैं, ड्यू डेट तो होनी देनी चाहिए या फिर बोलना चाहिए मैं तो लाइट बिल भरने ही गया था, और तो बेचारे नहीं भरे, लाइट बिल भरने ही गया था, उसके बाद भी काट दिया उन्होंने, मेरा लाइट बिल भरा भी गया है और अब आके उन्होंने आधे घंटे में ही जोड़ दिया। दूसरी बात मैं बहुत जरूरी बताना चाहूँगा, जब मेरा उनसे झगड़ा हुआ उसके बाद उन्होंने लाइट बिल भेजा है 15 मिनट बाद आदमी से, मैंने लाइट बिल पे उसका टाइम नंबर मोबाइल नंबर टाइम सुरेंद्र सिंह करके आदमी था, वो आया लाइट बिल देके गया है लाइट काटने के आधे घंटे बाद, और लास्ट मंथ का मेरे को लाइट बिल भी नहीं मिला है, इस मंथ का लाइट बिल लाइट कटने के बाद हमारा लाइट बिल आ रहा है, 18 तारीख को ड्यू डेट रहती है तो 16 तारीख को लाइट बिल देते हैं, 28 तारीख की ड्यू डेट है तो भी देखिए हम लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, ऑनलाइन में मेरा ड्यू डेट 28 तारीख दिखा रहा है तो मेरी लाइट आज 20 तारीख को कैसे काट सकते हैं, और बिल अगर आ जाता या तो फिर ऐसा होना चाहिए था कि चलो बिल भेजते और उसके साथ वार्निंग दे देते कि भाई 28 तारीख नहीं आपको 20 तारीख से पहले ही भरना है वरना हम लाइट काट देंगे, मगर लाइट बिल हमारा लाइट काटने के बाद आया है, बोलते हैं सब ऑनलाइन भरो तो ऑनलाइन हम लोग भरने को तैयार, उस पर ऑनलाइन में ही 28-12 दिखा रहा है, ऑनलाइन में ही 28-12 दिखा रहा है तो फिर लाइट कैसे मेरी काटी गई, काटी गई बोले कलेक्टर का ऑर्डर है, काटी गई ठीक है मगर मशीन बंद करने का टाइम क्यों नहीं दिया जा रहा है, ये तो एकदम दादागिरी होगी।